मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा बाहर अंदर के बाहर कैंप लगा है। मैं अंदर आया, पूछा किस चीज़ का कैंप है। ये कहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो खून डोनेट नहीं कर सकते, फूल नहीं ले सकते, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी खून दान कर जाऊँ कि किसी के काम आए। In India. दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रक्तदान कैंप लगा हुआ है, ये बीजेपी पार्टी द्वारा मुकेश साहनी के सहयोग से ये रक्तदान शिविर लग पाया है। और काफ़ी लोग अब तक जो है रक्तदान कर चुके हैं और लगातार अभी लोग आ ही रहे हैं।
जी आए हुए हैं और इनके वजह से हमारा ये शिविर जो है लग पाया और इनके मोटिवेशन से ये जगह जगह ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्रधान जी से कि प्रधान जी का क्या मोटिवेशन ऐसा रहा कि ये इन्होंने कैंप जो जगह जगह लगाते हैं और इससे क्या मतलब किसको बेनिफिट होने वाला है सर, बताइएगा। देखो इतना साडा सेवा पखवाड़ा चल रहा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन निकल के अगे गया पिछे और असी इस 15 दिनों पंद्रवाड़ा सेवा का रूप से मना रहे हैं जिदे मेडिकल कैंप, खूनदान कैंप, कोई होर अदर चैरिटी के काम, जो भी समाज सेवा के काम, स्वच्छ भारत का काम, इस कामों के समाज के जाके साढ़े अलग अलग इलाकों के साढ़े कार्यकर्ता कर रहे हैं। उस कड़ी च अज श्री कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन के साढ़े मंडल प्रधान लालका जी और आदरणीय मुकेश सानी जी, समूह मंदिर कमेटी सब के सहयोग न साढ़े मंडल के सारे लोगों के सहयोग के नाल, डॉक्टर कनिका जिंदल जी साढ़े, और ये अज ब्लड डोनेशन कैंप इतने लगया गया। कहा जाता भी खून दान महान दान है, सब तो उत्तम दान है। उन्हें कोई साढ़े सेवा करने वाले जिहड़े हाथ ने उन्हें बुलों तो भी पवित्र होंगे ने जिहड़े अरदास करते हैं। सो अज इस सेवा के मिशन च लगे ने। एक थोड़ा दत्ता होया कतरा किसी के भी जीवन को बचाने दे विच उसका एक सहाई सिद्ध होंदा। सो ऐसा काम दे विच जिहड़े लोग भरपाके होके अपना ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वो समाज के विचरते हुए किसी भी दुखियारे के काम आता, ये समाज के एक समानता सरूपता बनाने सहायक सिद्ध होंदा। सो अज के इस मुख कार्य के लिए मैं मुकेश सानी जी लालका जी इन्हों की समुची टीम को बहुत बहुत बधाई दिता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी जिंदाबाद। कनिका मैडम आपसे मैं थोड़ा इस शिविर से हटके क्वेश्चन है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बीजेपी के वजह से ऐसा कराया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि काफी जनता इससे पूछना चाहेगी कि भाई ऐसा क्या कि बीजेपी बीजेपी आप इस शिविर में भी कर रहे हैं, ऐसा क्या हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी से रिलेटेड है, ये सिर्फ सोशल वर्क है। और ठीक है कि भैया हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन अगर ये भी कहा जाए तब भी उसमें सारे में जो है सो स्वच्छ भारत अभियान को लेके आए हैं हम, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आई चेकअप कैंप्स हैं, डेंटल कैंप्स हैं, ये सब हमारा सोशल वर्क के अंतर्गत है, बीजेपी से रिलेटेड एज सच नहीं है। तो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बीजेपी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है लोगों को हेल्प करने के लिए ये कराया जा रहा है शिविर। और मुकेश सर आपने बहुत खुशी है आज इस हमारे रक्तदान में शिविर में हमारे प्रधान रजनीश मान जी, कनिका जिंदल जी ये पधारे हैं जिन्होंने हमारा हौसला और बढ़ाया है, और हमारे सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं हमारे मंडल के, हमारी मंडल की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लालका जी हमारे प्रधान जी खड़े हैं, लालका जी जरा दो शुक्रिया। लालका सर आप बताइए कि इस शिविर में लगभग कितने लोगों का रक्तदान का प्रोग्राम का? रक्तदान का जो हमारा टारगेट है जी वो 250-300 के करीब है, और 100-150 अभी 1.5 घंटे में हो रहा है, और 1.5 घंटे 2-3 घंटे में काफी लोग भीड़ होने वाली है। रक्तदान है जो रक्तदान महाकल्याण, इसलिए कि जो कोई गरीब बंदा होता है नहीं रक्तदान खरीद सकता, ये उन लोगों के लिए है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो उनको फ्री में दिया जाए। मेरी तो यही आशा है, ये मैं अपने प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि जो ये रक्तदान है ये गरीबों में ही बांटा जाए और किसी भी जरूरतमंद को दिया जाए और बिना पैसे के दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे बीच जो है पंजाब के कई पिंडों से लोग आए हुए हैं हमारे साथ, हमारे भैया अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम है संदीप सिंह। अच्छा, आपको ये रक्तदान का कहाँ से एडवर्टीजमेंट पता चला कि हाँ यहाँ पे रक्तदान चल रहा है? ये हमें हमारी कंपनी में दोस्तों बताया गया था। अच्छा, कि ऐसे रक्तदान हो रहा है। अच्छा, तो हमने भी किया, बड़े खुश हैं हम। अच्छा, और मेरे फ्रेंड भी सब साथ लेके आए हूँ। अच्छा, वेरी गुड, मतलब आपने अपने दिया ही दिया, अपने दोस्तों को भी लेके आए हैं। इनके दोस्तों को दिखा दीजिए अभी। अब हम कुछ यहाँ के शिविर के लोगों से भी हम थोड़ा सा रिव्यू जानेंगे कि भाई इन्होंने कहाँ से इन्होंने सुना है और यहाँ के अपना
बहुमूल्य जो रक्तदान है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए ये अपना रक्तदान दे रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ, आप अपने किस पिंड से आए हो? जिला तो आए, जिला से। अच्छा जी, आपको कैसे पता चला यहाँ पे कि ये रक्तदान यहाँ कैंप चल रहा है? वो ऐसे ही पढ़ लिया था पोस्टर लगे। अच्छा, इतने महान यहाँ पे, मतलब वाकई चैरिटी के नाम पे बहुत ही लोग यहाँ पे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इन्होंने बस केवल पढ़ा बोर्ड पे और आ गए यहाँ पे रक्तदान करने। अब चलते हैं हम दूसरे लोगों के पास। आप अपना पिंड बताइए। सुनाम शहर उधम सिंह वाला। और आपको कैसे पता चला यहाँ पे? मेरा जीजू है, ब्लड दे रही है। आइए, अब कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनसे भी बात कराते हैं कि कैसे कैसे इनको पता चला। जी अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम निश्चल है। अच्छा जी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, मित्र बात में हम नाम करते हैं। अच्छा, आप वहाँ से मतलब बताया गया कि आप यहाँ पे आओ या कैंप लगा है? अपने दोस्तों को भी लेके आया जा रहा है यहाँ पे, काफी अच्छा है। आइए मैं सर से मिलता हूँ। सर आप अपना बताइए। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा। माय नेम इज राघवेंद्र पांडे। राघवेंद्र पांडे, ओके ओके। कहाँ से आपको पता चला ये कि यहाँ पे? हमारी कंपनी के एमडी साहब ने बताया था आपको? बिल्कुल, कंपनी में उसके बाद सर को बताया गया है। अपने दोस्त को भी लेके आए हैं? बिल्कुल लेके आए हैं। अरे वेरी गुड। कितने दोस्त आपके आए हैं यहाँ पे? दो दोस्त आए हैं। दो दोस्त और आए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मिलते हैं। सर बताइए, आप पहले अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से किस फील्ड से हैं और यहाँ पे कैसे आना हुआ आपको? मैं राकेश पांडे हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अरे वेरी गुड, हमारे एरिया के हो भाई। और मैं स्टेट कन्वीनर भी रहा हूँ युवा मोर्चा बीजेपी का। ओके, और यहाँ पे हमारे कंपनी में काम चलता है। और यहाँ पे हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लोग आए हैं। हमारी कंपनी के लोग भी आए हुए हैं। ओके ओके। ब्लड डोनेशन। सर अपना नाम बताइए। हेलो सर, रविशंकर पांडे, मैं कुबेर इंफ्राटेक से हूँ। मेरा मित्र फास्टनर में काम चल रहा है। ओके, और ब्लड कैंप के माध्यम से यहाँ पे अपने दोस्तों को भी ले गए हैं। हाँ, हमारे दोस्त लोग आए हैं, ये हमारे एम्प्लॉय भी हैं, हिमांशु पांडे। ओके ओके। और बाकी बड़े हमारे डायरेक्टर साहब हैं राकेश जी। जी, तो काफी अच्छा लगा ये सामाजिक कार्य है। हमने रक्तदान दे दिया। देखिए, इन्होंने रक्तदान दे दिया है, आपको फील कैसा हो रहा है अभी इस समय? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि रक्त डोनेट करना एक सामाजिक और एक देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है। जो लोगों को जीवन मिलता है, कहीं पे किसी को आवश्यकता होती है ब्लड की, तो भाई आपको सैल्यूट है। आप ये बताइए, यूपी से आके और यहाँ पे, मतलब यूपी के रहने वाले और इतना मोटिवेशन है कि यहाँ पे रक्तदान कैंप में पार्टिसिपेट किया और अपना ब्लड भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मित्र फास्टनर ग्रुप को धन्यवाद कहता हूँ कि इतनी बड़ी टीम जो है ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट की। मोटिवेशन को मित्र फास्टनर को सलाम मेरी तरफ से, प्रधानमंत्री टीम की तरफ से। और फिक्स लाइक मित्र, फिक्स लाइक मित्र, फिक्स लाइक मित्र। चलिए मैं अभी पंजाब के यूथ से बात कराऊंगा कि वो इस शिविर में पहली बार आए हैं, बट इनसे थोड़ा सा रिव्यू जानते हैं कि कैसा इनको अनुभव हुआ रक्तदान करके और शिविर में पार्टिसिपेट। सर अपना पहले नाम बताइएगा। सर मेरा गोचरण सिंह लाल का जी। और आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कीजिए? हम भी मतलब कि हमें मालूम लगा कि यहाँ पे खून देने से सबसे बड़ा दान होता है, तो हम अपने जो यूथ के मेंबर हैं या बीजेपी के जितने लीडर हैं सब मिलकर हमें इसका रक्तदान करने आए थे। मैं कहते काफ़ी लोगों को मिलेगी हिम्मत जो हमें देख के भी बंदे आएंगे। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। जिन्हों जरूरतमंद है उन्होंने ये सेवा जी खूनदान की की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी माडल टाउन मंडल बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जिला प्रधान श्री रजनीश धीमान जी और मेरे बड़े वीर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही रिस्पैक्टड मुकेश सानी साहब जी की बदौलत जोड़ा ये कैंप लग्या। सारी टीम साढ़े परिवारी साहब मंडल प्रधान ईश्वर सिंह जी लालका जी सारी समुची टीम ने बड़ा योगदान दिता। असी बड़े खुश हैं, लोग बड़े खुश होकर बड़े उत्साह के नाल खूनदान कैंप के पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल लगातार हर बंदे ने बहता नहीं है खूनदान कर रहे हो जिन्होंने जिन्होंने अंदर बहुत उद्यम करने की समर्था होती है वो भी खूनदान कर रहे हैं। सर अज देखो जी सेवा पखवाड़े के तहत मोदी जी के जन्मदिन तो 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है जिसे कि रक्त दान शिविर आई कैंप मेडिकल कैंप सफाई गुरुद्वार की सफाई मंदिरों की सफाई सड़कों की सफाई पार्कों की सफाई का सारा कार्यक्रम बीजेपी के वर्करों को किया जा रहा है। साडा माडल टाउन मंडल वालों अज रक्तदान का कैंप लगाया गया है। कृष्णा चैरिटेबल हस्पताल माडल टाउन वाले डॉक्टर की टीम कर रही है और कृष्णा मंदिर के अंदर कैंप लगे है। 100+ अराउंड 110-120 बोटल असी अज दुध दिया अपना खून दिया इकट्ठिया करके हस्पताल में देंगे जिसे सारे समाज की सेवा होगी। विशेष तौर पर डॉक्टर की टीम से कृष्णा हॉस्पिटल की डॉक्टर की टीम आई है जी, सीनियर डॉक्टर बैठे हैं सारे। महिलावान के थोड़ा जा जोश घट है, कुछ साढ़े लोग कमी से अस ज़्यादा कर नहीं सके। नौजवान बहुत ज़्यादा है, सारे आए हैं। ईवन अच्छी एज दे भी 55 एज दे प्लस दे भी लोग ब्लड दे रहे हैं और बड़े बड़े जिला प्रधान रमीश समान जी इतने सवेरे आके साढ़े का उद्घाटन करके गए हैं। साढ़े जनरल सैकटरी कनिका जिंदल जी आए थे, वो भी प्रधान जी के नाल आए थे। यशपाल जनोत्रा जी आए थे और साढ़े बाकी समूह टोटल साढ़े कार्यकर्ता इतने आए हैं जेडे के बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं और यह सेवा बहुत जरूरी है समाज वास्ते।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਰਸ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੀਅਰ ਪੱਛਮ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਂਕਲਿਆਣ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਤਦਾਨ ਦੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਡੇਂਗੂ, ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਸੱਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਿਆਣੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਜੀ, ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ, ਬਿੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 40 ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 35 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਨ ਜੀ ਓ ਜਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਨ ਜੀ ਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, 125 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ IPS ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, CA ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ NGO ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਈ NGO ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ NGO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ, 1 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9814732120, 9814732120, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ। ਹੈਲਪਫੁਲ NGO ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲੋਕੋ ਕੋ ਤੋ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਾਂ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕੈਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਬ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਜੀ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਜ ਇਨਕੋ ਚੋਟ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਨਕੀ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਨਕਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਇਨਕੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਹੈਲਪਫੁਲ NGO ਤੇ ਹਮ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਨੇ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਕਰ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਯੇ ਲੋਕ ਹਮੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਮਾਡਲ ਟੋਪ ਮੰਡਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜ ਕਰ ਕਰ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਬਾਰੀ ਅਤੁਲ ਜੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਕਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਨੀਸ਼ ਧਵਾਨ ਜੀ, ਕਨਿਕਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਯਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਜੈਸਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੈ ਯਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਕੇ ਆਜ ਹੋਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲਪਫੁਲ NGO ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਜੀ, ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ,
हमेशा लुधियाना वासी नूं ऋणी होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने जिन्हें भी सहयोग के बंदे इन्ना क फंड इकट्ठा करके एन जी ओ नूं दित्ता हैगा और हुण इह एन जी ओ आप संचालक कर रहे हैं और इन्हां नाल ही अपील हैगी है जिस तरह सेवा कर रहे हैं बाकी भी लोग समाज के इस नाल जुड़ के सामने बिरमानी जी है बिरमानी जी आए ने बिरमानी जी ने भी असी रिक्वेस्ट की थी और भी साडे सेंटर दे विच आ गए जिंदल साहब साडे आ गए है बहुत अच्छा सहयोग दे रहे ने बाकी सगड़ जी हैं अपना विरदी जी हैं महाजन जी हैं साडे सारे मतलब भी सारे महाजन जी पहले साडे मैंबरां दे विच हैगे ने इह सब दे सहयोग दे नाल साडी एन जी ओ चल रही है जिहदे नाल सारी सेवा दित्ती जा रही है दीपक जी इन्हां दी फ्रैक्चर होया लत्त दे विच 8 महीने हो गए ने और ये देखो लत्त खराब होने के बावजूद ये 11 तो 12 घंटे की सेवा सेंटर दे विच दे रहे ने देखो सेंटर चलान दे वास्ते उपस्थिति जरूरी होंगी हैगी है जिन्नी देर असी उत्थे हैगे आ देखो मरीज जिहड़े डायलिसिस आंदे आ उहनां दे विच कई क्रिटिकल पेशेंट्स भी होंदे आ उह क्रिटिकल पेशेंट्स दा कोई कदे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली सानू एंबूलेंस के थ्रू होस्पिटल दे विच शिफ्ट करना पैंदा हैगा उहदे वास्ते जदों तक तुसी आप उत्थे मौजूद नहीं हुंदे तद तक ये सेवा नहीं दे सकते और ये सारी सेवा इस तरह ही परमात्मा वालों चलती रहे यही मेरी जय श्री राम। अज असी इत्थे श्री कृष्णा मंदिर स्मॉल टाउन भारतीय जनता पार्टी वालों ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिहदे विच तकरीबन 125 जरा पेशेंट है ना पेशेंट और डोनेटर है वह सुकून देने वास्ते आया और साड़ी जी हेल्पफुल एन जी ओ है उन्होंने जोड़े साढ़े फाउंडर मैंबर श्री दीपक गर्ग जी जिन्हों के मैं भी शामिल है और बैब साहब है जो साढ़े नाल इस वे खड़े है सानी साहब है और सारे ही जरा परिवार है ऐसे जे असं एक छोटा जहा वृक्ष लगाया अज तो जो करोना काल के जो स्टार्टिंग की सिर्फ 6-7 मैंबर थे जे अज वो ब्रिक्स एडा वा हो गया कि फल दे रहा जिसे एक साढ़े एक डायलिसिस सेंटर चल रहा जैसे 20 मशीन अज तक चल रही जिसे डबल फिल्टर मशीन भी चल रही जड़िया कि अज के लोगों को रिलीफ मिल रहा जिन्होंने पैसे नहीं है उन्होंने मुफ्त इलाज हो रहा और उत्थे बिल्कुल फ्री इलाज है कोई पर्ची नहीं है कोई काउंटर नहीं है जिसे भी कोई पर्ची कटी जाए तो मैं सारे अपने भैन भरावान सारे साथियों एक बेनती जरूर करा कि जिन्ना किसी का सहयोग हो सकता है वो जरूर देन ताकि जोड़े कोई गरीब लोग है जोड़े कोई पढ़ाई वास्ते बच्चे अडोप्ट किए गए हैं उन्होंने सारी असं जी हेल्प कर सकी है और समूथली असं कम करिए मैं इन्ना ही कहना थोड़े साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि अच्छी इतने पहुँचे हो और अज डोनेशन कैंप जोड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा जोड़ा कि मोदी जी के जन्मदिन के उत्ते यह पखवाड़ा चल रहा है ये कई तरह के पलाना है जिसे सफाई है बच्चों किताबा देनिया स्कूलों के जाकर कोई समगरी देनी है और भी कई तरह के काम है जोड़े असं पार्टी वालों करा बस इन्ना कहना मतलब सब का बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम। मैं अच्छ बड़ी खुशी हुई इतने आ दिता गया पर जो मैं इतने इंतजाम देखा जो इन्होंने सेवा लाई है लोगों ने सेवा की है बहुत अच्छा लगे मैं पहले देखा धन्यवाद।